नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट सवाल है कैलकुलेट वेट ऑफ द मून बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा अपने को यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कैपिटल जी उसकी वैल्यू दी हुई है मास ऑफ मून दिया हुआ है मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून वो अपने को दिया हुआ है उसके बेसिस पे हमें वैल्यू बतानी है तो हम जो यहाँ पे कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ये आपकी अर्थ है और मान लीजिए कोई एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है तो जो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का वो हम कहते हैं उसका वेट है सो लेट्स से यहाँ पे मून है अगेन ये थोरोटिकल कॉन्सेप्ट है अलग right? तो इस मून के ऊपर अर्थ का जितना फोर्स लग रहा है उसको हम यहाँ पे कहेंगे कि उसका वेट है अलाइट सो ये जो आपका फोर्स आएगा ग्रेविटेशन फोर्स ऑन मून उसको हम लिख सकते हैं जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बट डेटा दिया हुआ है वैल्यू डाल के अपने को आंसर मिल जाएगा सो दिस विल बी इक्वल टू 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन मल्टीप्लाइड बाय टेन टू द पॉर माइनस इलेवन मल्टीप्लाइड बाई मास अर्थ जो है Uh, वो अपने को दिया हुआ है 6 इनटू 10 टू पार 24 मल्टीप्लाइड्ड बाय मास ऑफ मून वो अपने को दिया हुआ है 7.36 मल्टीप्लाइड्ड बाय 10 टू डी पार 22 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर अपने को यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है uh, 3.8 इनटू 10 टू डी पार किलोमीटर ठीक है सो दिस इज किलोमीटर सो so, इसको मीटर में कन्वर्ट करके करने के लिए हम थ्री सौ मल्टीप्लाई कर देंगे उसका स्क्वायर और लाइट जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना वेट ऑफ मून आ जाएगा सो दिस विल बी एफ विल बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली टू इन टू टेन टू द पावर ट्वेंटी न्यूटन सो ये अपना थोरटिकल वेट ऑफ मून हो जाएगा अगेन कैलकुलेशन uh, थोड़ी गंदी सी है यू माइट नीड अ कैलकुलेटर फॉर दिस पर दिस वुड बी आर फाइनल आंसर